आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। आइए मेहरबानों, एक रागनी आप लोगों के बीच में, राउंड दो रागनियों का है। जो सबसे पहली रागनी है मेरी, आपके बीच में रखना चाहूंगी, मौका भी होगा अंजना पवन के किस्से से, कि जब पवन भूप और अंजना की शादी तय कर दी जाती है, शादी का समय आ गया। मेहरबानों, अंजना की जो सखी सहेलियां थी, पवन भूप को देखने का बड़ा चाह था। पवन भूप को देखने के लिए जाती है, अंजना आ गया कन्यू बोली, आए बेबे, तने यो ईशा इतना बुंडा इष्ट तो बढ़िया, तू ब्याह ना एक रहा तो बढ़िया रे भाई, अके बात के हो गया, इतना बुंडा कति इतना कालिया मराड है इसके आगे, तो तू बहुत सुतरी है, तेरे आगे तो ये कुछ भी नहीं। आदरणीय हमारे अनिल ठेकेदार जी आए हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। न्यूवली, इसके आगे तो तू कुछ भी नहीं, के बेबे तो ब्याह मनुष्य की गल्ला करना पड़ेगा। और जब इतनी बात अंजना की सखी सहेली अंजना को बता रही थी, बार पवन भूप का मंत्री सुनाने लग रहा था। पवन भूप के मंत्री ने जाकर सारी बात पवन भूप के आगे रख दी, के महाराज कहां शादी करने के लिए आए हो, उड़ा तो ये बात चल रही है आपके खिलाफ। कौन सी बात चल रही है, को बुंडा बतावे है, काला बतावे है? अच्छा हाँ, मेहरबानों, पवन भूप और अंजना की शादी हो तो जाती है, शादी होने के बाद महल की तरफ चल पड़ते हैं। महलों में जाते ही डोला भीतर बाद में बढ़िया, सबसे पहले बाहर रुकवा लिया डोला अंजना का। पवन भूप ने बोले कि अंजना, मेरी गल्ला ब्याह करके कितनी की राजी हो रही है? महाराज बहुत खुश हूं, बहुत खुश है, हाँ मैं बहुत खुश हूं। रहने दे, क्यों बहकावे है मना सारा वेरा, तू किसी खुश है? कैसी खुश हूं, तने बेरा नहीं उड़े, उनके आगे वे सारी मेरी बेइज्जती करने लाग रही थी। कौन बेइज्जती कर रही थी? देख वे याद कर, कौन? देख वे याद कर, कौन? महाराज वे मेरी बेइज्जती करने लाग रही थी, और तू आराम तो बैठी बैठी सुने थी, तेरे जरा सा भी मलाल नहीं होया? अब तेरे महाराज के बारे में क्यों बुंडी बुंडी कहने लाग रही है? बात सुन ले अंजना, पछतावा तो तेरा भी होगा। आज अगर यो ब्याह आड़े टूट गया तो फायदे में रहेगा, और जे यो ब्याह लंबा चला ना, लंबा तेरी मेरा रिश्ता लंबा चला, तो तू भी नहीं पछताओगी जो कर वो पछता था। महाराज स्पष्ट बताइए क्या कहना चाहते हो, मेरी समझ में नहीं आ रही कि आप बात क्या कहना चाहते हो। सुन ले मेरी बात, जिस तरह वो पछताया था ना, वो न्यू तू पछताओगी कौन महाराज? सुन ले, सुन ले। हे रे कुत्ता मार बन जा रहा रोया, हो आज वाहे कहानी बनेगी, केरा कुत्ता मार बन जा रहा रोया, हो आज वाहे कहानी बनेगी, हिरते काड़ा तू बुरी थी मेरी पर रानी बनेगी।
थी मेरी क्यों रानी बन गई के महाराज ये किस तरह की बात कर रहे हो तना निवेरा किस तरह की बात कर रहे हो नैवेरा कति भी अरे पत्रकार इब तू मेरे तनु का है किस तरह की बात कर रहे हो उस टाइम पे नहीं बोली तू जिस टाइम पे मेरी इज्जत उतरन लग रही थी तेरा बोलने का फर्ज था उस टाइम पे नहीं बोली तू मेहरबानो पहली गली के माध्यम से पवन भू क्या कहने लग जाते हैं सारे खोट मेरे में काढ़े सारे खोट मेरे में काढ़े फिर भी कौन सरिया तन सुथरे छेल अमीर छोड़ के पवन आड़ के पर्यातन जिंदगी रो जिंदगी हो जिंदगी भरना अच्छा हो मेरी छाती में घाकरा तने मेरे नाम पे बोली मार के पति समझ लिया मर्या तने मेरे नाम पे बोली मारी पति समझ लिया तेरे बोल के कारण अजनू तेरे बोल के कारण अजनू खिंचा ताड़ी कर आदरणीय बहुत ही अच्छे श्रोता बिट्टू वाड़शा जी रगड़े में बहुत अच्छे श्रोता है 501 रुपए से हमारा मान सम्मान करते हैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ बार बार धन्यवाद के अंजना के हाँ महाराज अंजना न्यू खड़ी हाथ जोड़ के हाँ महाराज कोई गलती हो तो बताओ अरे तेरी सारी गलती है सारा नाश तुमने गाल रखा है जब तेरे में पसंद नहीं था तो मेरी गला ब्याह करना जरूरी था कि महाराज ऐसी कोई बात नहीं है मन सारी अपने कानना तो सुनी है कानना तो के महाराज किसी ने बहका दिए बहकाया कौन जो मेरा कति खास है ना खास उसने सारी बात बताई है कि तेरे भी तरले में के चाल रही थी और जब तेरी गैलिया थी उनके भी तरले में के चाल रही थी कि महाराज के चाल रही थी और सुन ले कदे क्यों सोचती हो आख ब्याह हो गया मिया भी ब्याह सारा रिश्ता करूंगा एक भी रिश्ता ना करू तेरी गैलिया कदे तू क्यों सोचती हो आख अपना पति धर्म नहीं पाऊंगा पति धर्म ना निभाऊ तेरी गैलिया के करोगे महाराज यो करूंगा जुड़सी मन में सोच रही थी जुड़सी सोच रही रहगी बात अधूरी ब्याह की करती डाल कती थी पेज पढ़ने की पूरी रंग रूप कर घमंड करा सुने अकल की कनसूरी तेरे लिखे या दुनिया काली तू पर झूठी पूरी तेरे लिखे या दुनिया काली तू पर
रानी बन गई और मैं काला तू पूरी थी मेरी पर रानी बन गई धन्यवाद करती हूँ, मेहरबान धन्यवाद। न्यू बोलिया रंजना मेरे जी माता इसी आवे है, अब तेरी गेले वो काम कर दियो। कौन सा महाराज? जो आज तक किसी ने नहीं करया, किसी ने नहीं करया, जो आज तक किसी ने नहीं करया मेरे जी माता इसी आवे के तू नहीं ब्याह ली बन काई से अटाई से घूंघटे ना तार दे सारा हर श्रृंगार मेरे जी माता इसी आवे तेरी गेले वो काम कर दियो। कौन सा? तो मैं कती नाक काट दी मेरी। महाराज मैंने तो ऐसा कुछ करया भी नहीं, आप खाम खा मेरे सिर ना रहे हो। तो ना तो रब ला के मेरी इज्जत आ रही है, मैंने तो रब ला के इज्जत आ रही है। क्या कहना क्या चाहते हो सुन ले, मैं क्या कहना चाहूं। फड़ते शीश काट दूर ऐसी, फड़ते शीश काट दूर ऐसी, आवे मेरे मन में होली का तेरा तीर लगड़ गया, और पर मेरे मन में द्रौपदी ने भी मारी बोली, पापी दुर्योधन तेरा साल तक पाचो पाटव तेरे भटक ते बण में, तेरा साल तक पाचो पाटव तेरे भटक ते बण में, बोली का यो मिला नतीजा, बोली का यो मिला नतीजा, तू पक्के खाड़ी बढ़ गई। और मैं काला तू पूरी थी मेरी तू पर रानी बन गई, खत्म करूंगा। पति पत्नी का तेरे मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और देखे कदे तू न्यू राजी हो काई हो, नहीं नहीं बहू सु। जब एक लड़की की शादी होती है, नई दुल्हन बन के ससुराल में जाती है, उसके भी गणे रंग चाहया करो। अग देवर की गलिया न्यू हंसी मजाक करूंगी, अपने पति की गलिया ऐसे रहूंगी, अपने सास ससुर की सेवा करूंगी, ऐसे रहूंगी वैसे रहूंगी, लेकिन सुन ले
सुनना, क्यों कर रखू और क्यों कर रहना पड़ेगा, क्यों कर रहना पड़ेगा, न्यू रहना पड़ेगा। पवन भूप का हुक्म आज पे, पवन भूप का हुक्म आज पे, रहगी महल दुहाते भोला बाणा बाज हाथ में, उड़ा काग और कागड़े वीर मरद गौर वीर मरद का मेल इशाना, रही और किस हागड़े बिना पति तेरे न्यू जागे ये